मॉर्निंग दोस्तों सभी को। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेखाएं और कोण क्या क्या होती है, ठीक है। और अभी हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि कोणों के जो प्रकार है वो क्या है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप सर कोणों के प्रकार को भी पढ़ाइए, ठीक है। तो हम कोणों के प्रकार को पढ़ा रहे हैं और हम डिटेल में देखेंगे कि कोण होते क्या है, कोण कैसे बनते हैं और कोण की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, ये सब चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो कोण के बारे में आज इस क्लास में पूरा हम कवर कर लेंगे, ओके। तो शुरू करें, तो चलिए कोण के बारे में हम समझते हैं, ठीक। तो कोण को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि किरणें क्या होती है, ठीक है। तो किरणें, जैसा कि आपने सुना कि सूर्य से किरणें निकलती है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य एक पॉइंट है, ओके, पॉइंट है, ठीक है, और इससे कुछ किरणें निकल रही है, ओके। यानी किरणें क्या होती है, जो अनंत तक जाती है एक पॉइंट से, है ना। तो किरणें क्या होती है, एक पॉइंट से अनंत तक जाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, हम किरणें बोलते हैं, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि किरण तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोण क्या होते हैं वो दिखते हैं ना। तो जैसे ही हम दो किरणें कोई बनाते हैं ना, तो इनके बीच में जो झुकाव रहता है ना, यही हमारा क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। यानी दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वो क्या होता है, हमारा कोण होता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रेखा से निकलने वाली दो किरणों के बीच की जो भी आकृति होती है या झुकाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो हमने ऐसे समझ लिया कि कोण होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझा कि कोण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी तो लिख ही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम समझते हैं ना, तो कोण हमारे पास होते हैं 9 टाइप, यानी 9 प्रकार के कोण होते हैं। वो समझते हैं इन्हीं दो किरणों से, ठीक है। यानी दो किरणों से कैसे कैसे कोण बनते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाहर बाहर टोटल कोण कितना बन सकता है, 360 डिग्री का कोण बन सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला कोण होता है हमारे पास 0 कोण, यानी शून्य कोण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दो किरणें हैं, ठीक है। ये दो किरणों के जो बीच का झुकाव होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। अगर दो किरणों के बीच का जो झुकाव 0 डिग्री है, तब इसको क्या बोलेंगे हम, शून्य कोण बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम 0 कोण, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये झुकाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हम देखते जाएंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कोण। तो इसके बाद हम इस झुकाव को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एक 90 डिग्री का कोण होता है। सबसे पहले समझते हैं कि 90 डिग्री का कोण क्या होता है ना। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। ये एक 90 डिग्री का कोण है, यानी आपने छोटी क्लासों में एक देखा चांदा ऐसे करके बना होता है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है ना 90, है ना। 0 से शुरू होता है और 180 तक उसमें होता है, ठीक है। वैसे पूरा जो होता है दोनों साइड से अगर देखा जाए तो वो होता है 360 डिग्री का, ओके दोस्तों। यानी 0 पे शुरू होता है, वापस 360 पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसी से हमारे जो सारे जो कोण है वो हमारे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक 90 डिग्री का यानी समकोण कोण हो गया, ठीक है। देखिए एक टाइप का शून्य कोण होता है, ठीक है। अब इससे आगे अगर दोनों रेखाओं को हम बढ़ाए, ठीक है, ये एक रेखा होगी, ठीक है। मान लीजिए इस रेखा का झुकाव थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ना, तो ये झुकाव क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा न्यून कोण। और न्यून कोण को हम क्या बोल सकते हैं, यानी ये 90 डिग्री से इसका झुकाव जो है कम होगा, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे ही इसी 90 डिग्री के ऊपर, है ना, कि 90 डिग्री से झुकाव किधर की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो 90 डिग्री से, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के जो बीच में जो झुकाव है वो क्या होता है आपका, न्यून कोण होता है, ठीक है। इसके बाद समकोण तो आ ही गया ना, यानी जो 90 डिग्री का कोण होता है एग्जैक्ट, वो क्या होता है आपका, समकोण होता है ना। तो सबसे पहले आप कोणों को दर्शाने का जो प्रतीक होता है वो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यह है कोण को दर्शाने का प्रतीक, है ना। देखिए हम पहले समझ रहे हैं, इसको नोट्स के रूप में हम लिखेंगे भी, ठीक है, डिटेल में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक बार आप इनको समझिए अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका प्रतीक होता है, हमने शून्य कोण पढ़ लिया, फिर दो नंबर हमने न्यून कोण पढ़ा, फिर हमने पढ़ा समकोण, ठीक है। अब देखिए समकोण से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, इन दोनों रेखाओं का जो झुकाव है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा था क्या, समकोण। तो देखिए इस इन दोनों किरणों का जो झुकाव है वो क्या हो गया, 90 डिग्री से अधिक हो गया, लेकिन 180 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसका जो झुकाव है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो
ये हो गया आपका अधिक कोण, ये तो आपको मैं आ सकता हूँ कि ये सब आपको आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये झुकाव और आगे बढ़ेगा ना, और आगे कितना बढ़ेगा, देखिए जैसे ये किरण हो गई हमारी, ठीक है। अब ये झुकाव मान लीजिए एकदम विपरीत में आ गया इस जो किरण किया ना, तो ये झुकाव और बढ़ गया ना, और कितना बढ़ा, ये झुकाव हमारा बढ़ गया 180 डिग्री, ठीक है। यानी ये कोण हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। तो इस कोण 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, रिज्जू कोण बोलेंगे, ओके, यानी स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ओके, यानी रिज्जू कोण इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस झुकाव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आगे 180 डिग्री तक है ना, ये एक किरण है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका झुकाव है 180 डिग्री से हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री से आगे है लेकिन 360 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, ये वाला कोण क्या हो गया, वृहत कोण। देखिए वैसे क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, थोड़ी से इन केस आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस नॉलेज होना चाहिए ना, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया नहीं था, ठीक है। यानी मैंने सीधा ही आपको समझा दिया कि क्वेश्चन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि थ्योरी, यानी थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपको सारा कुछ आना चाहिए, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं वृत्त कोण, है ना। तो वृहत कोण हमने क्या देखा कि 180 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है ना, तो ये हो गया 180 से 360 के बीच में कोई भी कोण होता है वो क्या होता है दोस्तों, वृहत कोण होता है, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोण है और ये घूम के वापिस यहीं पे आ गई है ना, यानी दोनों रेखाओं के जो बीच का जो झुकाव है ना, दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है वो मान लीजिए कि 360 डिग्री हो गया, एग्जैक्ट 360 डिग्री है ना, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट कोण, है ना, कंप्लीट कोण बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे हम संपूर्ण कोण, ओके दोस्तों। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आई, संपूर्ण कोण क्या होता है 360 डिग्री के। देखिए हमने कितने कोण पढ़ लिए, एक दो तीन, यानी शून्य कोण पढ़ा, न्यून कोण पढ़ा, संपूर्ण पढ़ा, तीन नंबर पे, चार नंबर पे हमने पढ़ा एक कोण पढ़ा, ठीक है, और पांच नंबर पे हमने रिज्जू कोण पढ़ा, और छह नंबर पे ये वृत्त कोण पढ़ लिया, सात नंबर पे संपूर्ण कोण पढ़ लिया, ठीक है। अब कोण के प्रकार में दो कोण और आपके पास बचते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपके पास पूरक कोण, एक होता है आपके पास संपूरक कोण, ओके दोस्तों। तो पूरक कोण क्या होता है वही हम समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए जैसे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है, यानी ये रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई, ठीक है, इस पॉइंट से निकलने वाली दो रेखाएं होगी, और ये कोण हमारे पास कितना है 90 डिग्री है ना। तो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसा युग्म है ना, ऐसा मतलब दो कोण है ना, ऐसे दो कोण हम बनाएंगे, ठीक है, यानी एक तो ये कोण हो गया, ठीक है, और एक ये कोण हो गया ना, तो ये जो दो कोणों का जो युग्म बना है हमारे पास है ना, तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो अगर 90 डिग्री होता है तो उस कोण को हम बोलते हैं दोस्तों पूरक कोण, ओके, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कोण, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, ठीक है। और एक होता है संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। ये सबसे पहले देखते हैं पूरक कोण क्या होता है ना, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है 80 डिग्री है ना, ऐसे दो कोण जिनका योग है 90 डिग्री, जैसे 50 एंड 40 हो गया ना, और जैसे 45 एंड 45 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जिसका कोण 90 डिग्री योग है वो क्या होंगे हमारे पास पूरक कोण होंगे, है ना। तो ये हमने 8 नंबर वाला कोण पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो किरणें थी जिसपे 180 डिग्री का कोण बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कोण बना लो एक, है ना, ठीक है, एक रेखा हम एक किरण और गुजार देते हैं, ठीक है, सरल रेखा है। इसको देखो जो रिज्जू कोण बनाती है ना उसको हम सरल रेखा भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी दोनों तरफ दो किरणें हैं जो इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा भी बोलते हैं, साधारण रेखा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हमने और रेखा डाली है, ठीक है, तो इस रेखा से दोनों ओर जो कोण बन रहे हैं वो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं, ओके दोस्तों। यानी कि क्या योग है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, कितना हो गया, है ना। तो ये तो हो गए यानी कोणों के प्रकार हो गए, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे कोण होते हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास एक कोण होता है आसन कोण, ठीक है, देखिए एक आपके पास होता है आसन कोण, ठीक है। तो आसन कोण हम किसे बोलेंगे ये हम अभी समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही दो कोण है ना, ठीक है, तो इनमें एक उभयनिष्ठ, ये एक जो रेखा है ये क्या होगी, एक उभयनिष्ठ रेखा होगी ना, ठीक है, और इनके दोनों ओर एक एक कोण बन रहे हैं ना विपरीत साइड में ना, ये जो उभयनिष्ठ जो रेखा है इसके एक तो इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, ठीक है।
तो जो एक ऐसा ऐसा दो कोण है ना, ऐसे कोणों के युग्म है ना, जिसमें क्या हो आपकी एक व्यष्टि भुजा हो और एक व्यष्टि शीर्ष हो। जैसे देखिए ये मेरे पास एक शीर्ष है ठीक है, और ये मान लीजिए एक भुजा है, ये एक व्यष्टि मान लेता हूँ एक किरण है ठीक है, व्यष्टि किरण है, और इसके दोनों ओर है ना, इसके दोनों ओर अगर जो कोण बन जाए ठीक है, और ये बीच में मान लीजिए कॉमन रे है ना, ये मतलब ये शीर्ष है आपका, इसको हम शीर्ष बोलते हैं ठीक है, तो ये शीर्ष और ये जो रेखा है, ये किरण है, ये कॉमन रे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आसन कोण। किन किन को बोलेंगे, ये दोनों जो कोण है ना, ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे हमारे ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, हम इसको लिखेंगे भी अभी है ना परिभाषा के रूप में, ताकि आप जब कभी भी इस इन चीजों को फिर से दोबारा से दोहराए, यानी दोबारा से इसको पढ़े या किसी को समझाना हो, तब आपके पास नोट्स होना भी जरूरी है ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले कोण की ओर है ना। अब देखिए एक तो हमने ये पढ़ लिया है ना, अब पढ़ते हैं हम रेखिक कोण युग्म है ना, ये मतलब ये अलग टाइप के थोड़े से कोण है, रेखिक कोण युग्म जो उन्हीं कोणों से बने हैं ठीक है, प्रकार तो इसे 9 प्रकार के होते हैं कोण ठीक है। तो रेखिक कोण युग्म हमारे पास क्या होता है ठीक है, ये देख लेते हैं ओके। तो रेखिक कोण युग्म क्या होता है, देखिए एक सरल रेखा है ठीक है, इस सरल रेखा पे एक पॉइंट पे मैंने मान लीजिए 3 4 कोण बना दिए ठीक है, जैसे ये हो गया और ये हो गया ठीक है, तो इन सारे कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग है वो कितना हो, 180 डिग्री हो ठीक है। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म कोण बोलेंगे ठीक है, यानी ये सारे कोण क्या हो गए, रेखिक रेखिक युग्म कोण हो गए ठीक है, यानी इनका जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दो तीन कोण और बचते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास एक होता है शीर्ष अभिमुख कोण, देखिए आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जैसे एक तो है संपूरक कोण ठीक है, और एक है रेखिक युग्म कोण है ना, यहाँ पे देखो दो ही कोण है हमारे पास है ना, दो कोणों का योग हो वो 180 डिग्री हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री और 90 डिग्री गया, ऐसा पूछ ले कि दो ऐसे संपूरक कोण बताइए जिनका वैल्यू समान होगा ना, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे ही पूरक कोण कौन कौन से होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया ना, तो इसमें क्या है दो कोणों का, जैसे 110 और 70 डिग्री हो गया ना, तो दोनों कोणों का योग जो, यानी मैंने बोला था कि युग्म कोण मतलब युग्म यानी दो पेर में है ना, तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण। और एक था रेखिक कोण युग्म, यानी यहाँ पर बहुत सारे कोण, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं ठीक है, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोस्तों ठीक है। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते थे, रेखिक कोण युग्म ठीक है। उसके बाद हम एक दो और कोण देखते हैं, जैसे एक मान लीजिए शीर्षाभिमुख कोण है ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण ठीक है, एक तो ये कोण है शीर्ष। अब जो हम पढ़ने वाले 3 4 कोण वो एक साथ समझेंगे ठीक है, या इनको देख लेते एक बार ना, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जैसे मान लीजिए दो कोई सरल रेखा है और आपस में ये सरल रेखाएं क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ठीक है। तो इन सरल रेखाओं के जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ठीक है, या इनको भी शीर्षा अभिमुख कोण हम बोल सकते हैं आमने सामने। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि शीर्षा अभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से हमने समझा है कि कैसे बराबर होते हैं, क्यों बराबर होते हैं, तो आप पिछली क्लास भी जरूर देखिए, यानी रेखा और कोण की जो फर्स्ट क्लास है थ्योरी की है ना वो जरूर देखिए, उसके बाद हमने उसमें क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए थे ठीक है। तो शीर्षा अभिमुख कोण हमने समझा ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं एक और है ना, जैसे मान लीजिए एकांतर कोण क्या होता है ठीक है, एकांतर एक तो होता है एकांतर कोण, एक होता है संगत कोण ठीक है, ये बहुत सारे कोण है, बस एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर इन केस आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रीट के मेन्स एग्जाम की, जिसकी गणित है ना, और सेकेंड ग्रेड में भी शायद गणित होती है ठीक है, तो उन सभी भर्तियों में आप ये हमें ले सकते हैं ठीक है, और 10th क्लास की स्टूडेंट है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है मैथ ठीक है। तो देखिए एकांतर कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है दो समांतर रेखाएं, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है ठीक है दोस्तों, ये दोनों रेखाएं समांतर है और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा आपके पास आती है ठीक है, तिर्यक रेखा यानी काटने वाली रेखा ठीक है, तो ये रेखा एक हमारे पास आती है और इन दोनों रेखाओं को काट देती है ना, तो यहाँ से हम समझते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है और संगत कोण क्या होता है ठीक है। तो संगत कोण तो ये होते, देखिए इस रेखा के ऊपर जो कोण बना है और अगली ऊपर वाली रेखा के भी ऊपर जो कोण बना है, ये दोनों कोण क्या होंगे दोस्तों, संगत कोण होंगे ठीक है। देखिए संगत कोण ये भी हो सकते हैं ठीक है,
तो ये और ये भी संगत कौन ही हुए, ओके, और ये भी संगत कौन ही हुए ना, और ये वाले, ये वाला और ये वाला भी संगत कौन हुआ ना। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे संगत कौन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसी एक डायग्राम से हम सारे कौन समझेंगे ना। तो ये दोनों, अगर मैं बोलूं इन दोनों की बात करूं, तो ये दोनों कौन क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कौन। यहाँ पे बताइए कितने शीर्षाभिमुख कौन है टोटल, बोलिए। अब मैंने ऐसा भी बोला कि शीर्षाभिमुख कौन है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और जो एकांतर कौन है वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और संगत कौन भी उसमें समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हमने पढ़ा संगत कौन क्या होता है, तो ये दोनों संगत कौन हो गए, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एकांतर कौन क्या होता है ना। तो एकांतर कौन इसी में हम समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये दोनों हमारे पास समांतर रेखाएं थी, ठीक है। तो यहाँ पे एकांतर कौन क्या थे, तो देखिए ये जो जेड की आकृति बनाने वाले हैं ना, ये वाले है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एकांतर यानी एकांतर कौन, ठीक है। यानी जो जेड की आकृति जो बना रहे हैं, जेड की आकृति जो बना रहे हैं वो क्या होंगे हमारे पास, एकांतर कौन होंगे, है ना। तो ये वाला और ये वाला एकांतर कौन हो गया, ठीक है। तो इस आकृति में मेरे को बताइए कि एकांतर कौन है कितने, एक चिन्ह बोलिए। तो एक तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। और दूसरे एकांतर कौन क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये भी हो सकते हैं ना, ये वाला और ये वाला एकांतर कौन है। देखिए ये और भी तो बन रहा है, एकांतर कौन हो गया, ठीक है। और है क्या एकांतर कौन, बोलिए। दो ही एकांतर कौन हुए ना। अब देखिए यहां से एक हम चीज और समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखना प्रारंभ करेंगे, और इन सभी चीजों को हम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारे जो दिमाग की याद रखने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम समय की होती है, इसलिए हमको लिखना तो बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इन तीनों कोणों को फिर से एक बार समझते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण, ओके। तो इन तीनों कोणों को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो है समांतर रेखा है, एक बार फिर से समझते हैं, फिर हम लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दो समांतर रेखा है, वैसे हमने से पिछले वाली क्लास में हमने समझा भी है रेखाएं और कोण की, हमने जो क्लास ली थी, ठीक है। और इनके बीच में एक आ गई तिर्यक रेखा, ठीक है। ये दोनों समांतर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ से दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोण है हमारा थीटा कोण, है ना। तो ये कोण भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण के आपस में शीर्षा अभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हुए, शीर्षा अभिमुख कोण हुए, ठीक है दोस्तों। और ये कोण भी जो ये मैं फाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये भी हमारा फाई है, ये भी क्या हुई, शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात अब है, ठीक है। यानी यहां से देखिए ये कोण और ये कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है ना। तो एकांतर कोण भी मैंने बोला क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण भी क्या हुआ, थीटा हुआ, ठीक है। यहां से आप देखिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे, संगत कोण हो गया ना। तो संगत कोण भी क्या है, थीटा है ना, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, ये भी संगत कोण है, तो ये क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। और इसके सामने वाला क्या हो गया, शीर्षा अभिमुख कोण हो गया, तो फाई होगा। इसके सामने वाला ये थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी समझने वाली बात कि संगत कोण क्या होता है, शीर्षा अभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। ऐसी आकृतियां बहुत मिलेगी आपको दोस्तों, जिससे आपको चीजों को समझना है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, ठीक है। तो कोणों के बारे में हमने लगभग बातें कर ली है, ठीक है। और एक यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए, त्रिभुजों में बहुत बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, है ना। ये भी बात आपको बता देते दिमाग में आ गई, ठीक है। जैसे एक ये त्रिभुज है ना, ये कोण अगर थीटा दे रखा है ना, और ये कोण मान लीजिए 50 दे रखा है, और ये 60 दे रखा है, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों कोणों को सीधा योग करके भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 60 और 50 कितने हो गए, 110 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप इन कोणों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ये बाहर वाला कोण अगर आपको निकालना हो तो कैसे आया ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 और 50 हो गए 110, है ना। तो ये वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस 110 होगा ना, ठीक है। और फिर अगला ये जो थीटा होगा योग वो कितना होगा, इस मत मान लीजिए ये कोण है हमारा अल्फा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा ना। तो ऐसा हम करें क्यों, है ना, 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो यही तो नहीं होगा क्या, थीटा 110 डिग्री, है ना। तो ये आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते, ठीक है। तो अब हम करेंगे लिखना प्रारंभ, ठीक है। तो आपको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ लिखना है, हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझा है, लिखेंगे तब और समझेंगे इनको बेहतर, है ना। तो मैं अब कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमको बातें लिखनी होती है, ठीक है। तो हम अभी लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, कहाँ से,
वे कोणों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ से आप हेडिंग डालना शुरू करिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप कोण। ओके, हेडिंग डालिए कोण। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालिए कोण। तो आप सभी ने हेडिंग डाल लिया होगा कोण। तो देखते हैं कोण क्या होता है ना। कोण से पहले हम क्या समझेंगे, किरण समझेंगे ना, कि किरण क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए किरण। ओके, तो किरण किसे कहते हैं ना, तो किरण लिखिए एक बिंदु से, एक बिंदु से अनंत तक जाने वाली, एक बिंदु से अनंत तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, अब अगर किरण की परिभाषा आ गई तो हम अब कोण की परिभाषा भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोण की परिभाषा क्या होगी, तो फिर से हेडिंग डालिए कोण। कोण की परिभाषा हमारे पास हो जाएगी, लिखिए कि वह आकृति, दो परिभाषाएं यहां से लिखेंगे सिंपल सिंपल। ठीक है, वह आकृति जो जो एक बिंदु से दो किरणों के निकलने से बनती है, साथ साथ लिखते चलिए और समझते चलिए, समझ समझ के लिखिए। ठीक है, और दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं यहां से, बोली यानी यहां से सीधा भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो किरणों के मध्य का झुकाव, दो किरणों के मध्य का झुकाव कोण कहलाता। इतनी बात नोट हुई, चलिए नोट करिए इतनी बात। नोट हुआ, चलिए आगे नोट करते हैं। तो हमारे पास कोण की हमने परिभाषा लिख ली। ठीक है, अब लिखिए आप हेडिंग डालिए कोणों के प्रकार, हेडिंग डालिए कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं वो हेडिंग डालिए। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए आप नोट्स भी इसी प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक, तो कितने टाइप के कोण होते हैं, तो लिखिए कोण 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 9 प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उनके बाद उनको 1 by 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कोण आपका हो जाता है शून्य कोण, मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ। ठीक है, शून्य कोण यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरो एंगल। दो नंबर टाइप का कोण हमारे पास होता है कौन सा, जीरो के बाद क्या आता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, एक्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, तीन नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, समकोण। अब मैं जैसे नाम लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है ना, आपका दिमाग जाना चाहिए कि समकोण ये होता है। ठीक है, तो तीन नंबर कोण है समकोण, यानी कि वो बोलते हैं राइट एंगल। जैसे हमने त्रिभुज में अगर सर्वांग समता पढ़ी है तो उसमें आता है ना एक आर एच एस सर्वांग समता ना, यानी साइड, और ये आर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण है ना, तो ये दोनों आपको बराबर करने होते हैं, और एक आपको करण बराबर करना होता है, और एक फिर आप लंब या बराबर करते हैं ना, तो ये होती है सर्वांग समता ना। तो वहां पे आर क्यों लिखा रहता है, क्योंकि इसको राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। समकोण चार नंबर कोण आप लिखिए रिजु कोण, और रिजु कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये दोस्तों इतना हुआ। फिर पांच नंबर कोण आप लिखिए, पांच नंबर होता है वृहत कोण, या इसको वृहत कोण भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल।
नंबर का कोण होता है हमारे पास पूरक कोण, या इसको सबसे पहले लिख लीजिए आप संपूर्ण कोण लिख लीजिए, संपूर्ण कोण लिखिए, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट एंगल। ओके, उसके बाद आप सात नंबर पे लिखिए पूरक कोण। शून्य हो गया, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, ऋजु कोण हो गया, उसके बाद वृहत कोण हो गया, फिर आ गया संपूर्ण कोण। ठीक है, दो तीन चार पाँच छ सात, एक कोण कौन सा रह गया भाई, ऋजु कोण लिख लिया ना, लिख लिया बिल्कुल। ठीक है, लिखो एक बार पूरक कोण लिखो। पूरक किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और आठ नंबर आप लिख लीजिए संपूरक कोण। संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। इतना नोट करिए। अच्छा, एक हमने अधिक कोण नहीं लिखा, ठीक है, तो तीन नंबर पे आप लिखिएगा अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, यहाँ से छूट गया थोड़ा सा, तीन नंबर पे अधिक कोण होगा, फिर ये चार नंबर पे होगा। ठीक है, तो आप लिखिए, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तीन नंबर आप लिखिए अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अधिक कोण तीन नंबर पे लिखिए, फिर चार पे समकोण, पांच पे ऋजु कोण, और छह पे वृहत कोण हो जाएगा, संपूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, इतना नोट हुआ। अब फिर से आप हेडिंग डालिए एक नंबर कोण, या एक बार ये भी लिख लीजिए कि अन्य कोण। ठीक है, एक हेडिंग डालिए आप अन्य कोण, या आपको नाम है वो एक साथ ध्यान में रहे। ठीक है, अन्य कोण कौन कौन से होते हैं, तो एक नंबर यहाँ से लिख लीजिए, दो तीन अन्य कोण होते हैं वो भी लिख लेते हैं। एक नंबर है आपके पास आसन कोण, दो नंबर आप लिख लीजिए रेखिक कोण युग्म, तीन नंबर आप लिखिए शीर्षाभिमुख कोण, और चार नंबर आप लिखिए एकांतर कोण, पांच नंबर लिखिए संगत कोण। ठीक है, तो ये पांच हमारे पास एक्स्ट्रा कोण भी थे। ठीक है, तो आपने इतना नोट कर लिया। तो इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा यहीं पे एक बार यहाँ से जैसे आपने लिखा है ना इसी इसमें एक बार डायग्राम बना लीजिए साथ में, है ना, जैसे शून्य कोण क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहीं से आप एक दूसरे पेन से एक और ऊपर रेखा डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ इससे, तो यहाँ से दो रेखाएं हैं जिनके मध्य कोई झुकाव नहीं है, इसलिए इसको हमने बोल दिया था जीरो कोण। ठीक है, यानी शून्य कोण। ठीक है, फिर हमने बोला था कि ये हो गया हमारे पास न्यून कोण, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप आगे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे जगह नहीं छोड़ी है ना, न्यून कोण लिखना, और इसको लिखना आप ऐसे 0° to 90°। ठीक है, फिर आप अधिक कोण लिखेंगे, ऐसे लिखो अधिक कोण हो गया ये। ठीक है, आप ऊपर लिखिए 90° to 180°। ठीक है, और फिर आपके पास था, नहीं पहले आपके पास समकोण आएगा। ठीक है, न्यून कोण के बाद समकोण लिखना होगा। ठीक है, तो समकोण ये हो गया हमारे पास बिल्कुल, यहाँ से आप लिखिए 90° का कोण समकोण। ठीक है, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और यहाँ से आप समझिए कि ये है ऋजु कोण, है ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, दोनों किरणें, सॉरी, है ना। फिर हमने समझा कि वृहत कोण क्या होता है, तो हमारा कोण था 180 से, ये हो गया 180° का कोण। ठीक है, और फिर हमारे पास था वृहत कोण, है ना, तो वृहत कोण ऐसे बाहर की साइड से लिखिएगा। ठीक है, और ये आप लिखिएगा 180° से 360° तक। ठीक है, फिर आप एक एक लाइन दो लाइन खींच सकते हैं या एक खींच लीजिए। ठीक है, और इसके बाद से ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 360° का कोण, कौन सा कोण। ठीक है,
उसके बाद आपके पास पूरक कोण है ना, तो पूरक कोण को आप ऐसे लिखिएगा, पहले एक 90 डिग्री का कोण बनाइए ऐसे, फिर यहाँ से कोई भी एक रेखा खींच दीजिए और एक कोण ऐसे बनाइए, एक कोण ऐसे बनाइए, ठीक है, और ऐसे करके लिखिए, योग होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये हो गया आपका पूरक कोण। फिर एक संपूरक कोण भी आप लिख लीजिए ऐसे, एक बीच में पॉइंट होगा, इसके कहीं भी एक रेखा बना दीजिए यानी किरण बना दीजिए, ठीक है, तो इसके जो दोनों ओर के जो कोण है इनका जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऐसे आप सीधा आप रिविजन मोड में आप करते हो तो आप ऐसे रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने लिख लिया क्या, संपूर्ण कोण, ओके।